साल तकनीक का एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। 24 अक्टूबर यानी बुधवार को चीन में समुद्र पर बने दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये पुल बेहतरीन तकनीकी और डिजाइन का शानदार नमूना है। दुनिया में अब तक किसी भी नदी या समुद्र पर बने पुलों में ये पुल सबसे लंबा है। इसकी लंबाई 55 किलोमीटर है और ये पुल हांगकांग से मकाओ और चीन के जुहाई शहर को जोड़ता है। इसको बनाने में 9 साल का वक्त लगा है और करीब 20 अरब डॉलर की लागत आई है। 55 किलोमीटर लंबे बने इस पुल का उद्घाटन साल 2016 में ही होना था, लेकिन किसी वजह से हुई देरी के बाद अब ये पूरी तरह बनकर तैयार है। दोनों तरफ विशाल समुद्र और बीच में मजबूत तारों से बंधे इस पुल पर चलने का अनुभव कितना शानदार रह सकता है, इसका अंदाजा इसकी तस्वीरें देखकर ही लगाया जा सकता है। इस पुल में डुअल 3 लेन है जो करीब 23 किलोमीटर समुद्र के ऊपर और 6.5 किलोमीटर समुद्र के नीचे सुरंग नुमा शक्ल में तैयार की गई है। इसकी गहराई 44 मीटर तक है। पुल का बाकी हिस्सा जमीन पर बना है। सुरंग के दोनों तरफ दो कृत्रिम द्वीप बनाए गए हैं। ये दोनों 10 लाख वर्ग फुट के इलाके में बने हैं। पुल का वजन 80,000 टन है, जिसे बनाने के लिए 4 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। ये पुल रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है। ये ब्रिज तीनों शहरों के बीच की दूरी को महज 1 घंटे पर ले आएगा और इससे आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। आपको बता दें कि चीन का ये सी ब्रिज भारत के सबसे बड़े सी ब्रिज बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज से करीब 10 गुना बड़ा है और अब ये पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है।